और लोगों में वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क की मदद से चेन्नई में 4000 किलोमीटर के रोड रन का आयोजन किया गया। इस तरह के आयोजन का मकसद लोगों में ये बताना है कि भविष्य में सौर ऊर्जा का उपयोग भी वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आम लोगों खासकर युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इंडियन यूथ क्लाइमेट के द्वारा 4000 किलोमीटर रोड रन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 3 इलेक्ट्रिक कारों, 6 वनस्पति तेल से चलने वाली वैन और जैव ईंधन चालित ट्रक के साथ हुई। इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क के सदस्यों का मानना है कि सौर ऊर्जा की मदद से हम पर्यावरण में हो रहे बदलाव को कम कर सकते हैं, साथ ही इसके इस्तेमाल से दुनिया में बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को कम किया जा सकता है। ऐसे काफी सारे करोड़ों सॉल्यूशंस हैं जो कि यहाँ हमारे देश में ही हैं, और हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें कुछ मॉडर्न थिंकिंग या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारा एक नया देश बनाना है, हमें बाहर की तरफ देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे ही है और हम ही हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि इस दुनिया को बदलने वाली है। जो इन्होंने किया है ऑल द किड्स फ्रॉम द इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क, आई थिंक इट्स फैबुलस। पूरा मतलब हम नहीं किलोमीटर 4000 किलोमीटर, तो 4000 किलोमीटर इन्होंने एक महीने में कवर किए इन गाड़ियों में, टू स्प्रेड द मैसेज के जो है धरती माता, अभी इसको हम बहुत गाली दे चुके हैं, बहुत निचोड़ चुके हैं, और अभी अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये हमें बहुत लाफे मारेंगी। आगे हमारी जो जनरेशन है उनको बहुत खतरा है, पानी का, क्लाइमेट का, यू नो, जस्ट एवरीथिंग, द प्लैनेट सिटिंग बैक। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल कॉज दैट दे ऑल वेंट ऑन। एक साल पहले युवाओं के एक समूह ने भारतीय युवा पर्यावरण तंत्र की आधारशिला रखी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 ईंधनों का विकल्प तलाश करना था ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। वीडियो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।